उनके वचन से भूल से भी कहीं कोई बात निकल जाती है तो उनका इतना प्रभाव होता है कि वो बात भी सत हो जाती। जान करके तो वे कभी मिथ्या बोलते ही नहीं, और समझो भूल हो सकती है, गलती ये हो सकती है, वो झूठ नहीं है, वो भूल है। किसी भाई ने पूछा कि आज एक प्रकार से थी कौन सी थी है, और कह दिया कि भी है तो आज ज्योत। और समझो भूल हो सकती है, गलती ये हो सकती है, वो झूठ नहीं है, वो भूल है। जैसे किसी भाई ने पूछा कि आज एक प्रकार से थी कौन सी थी है, और कह दिया कि भी है तो आज ज्योत, और भूल से कह दिया आज तीज है। तो वो तीज कैसे बने, वो तो जो वर्तमान में ज्योत है वो ज्योत ही रहेगी। तो इस प्रकार की जो है आपने बिना आपने समझे भूल हो जाती है, उसके ज्ञान के वहां जो बात वो कह देता है, तो इसलिए वो झूठ नहीं है। झूठ वो चीज है कि अपने देखी हुई समझी हुई सुनी हुई और समझो कि निश्चय की हुई जो बात है, अपनी मानी हुई जो बात है, उसके विरुद्ध जो जानबूझ करके कहे उसको नाम झूठ है। और अपनी समझ में जो बात है और वो बात कहे वो मिथ्या नहीं है। इसी प्रकार से थी समझो कि उन पुरुषों के हृदय के बीच में कोई इच्छा जो है, कामना जो है, आसक्ति जो है, इनका नामो निशान नहीं है, अपनता भाव होता है। फिर भी एक प्रकार से थी व्यवहार काल के बीच के वहां समझो कि इच्छा जो है और बातचीत के बीच के वहां समझो कि ममता जो है, बातचीत के बीच में हीनता जो है, बातचीत के बीच के वहां समझो कि आसक्ति सी जो है, ये प्रतीति तो होती है। क्योंकि एक प्रकार से व्यवहार भी कैसे हो सके, जो बड़े बड़े अच्छे पुरुष हुए हैं, जिनको हम लोग बहुत उच्च कोटि के महापुरुष मानते हैं, जैसे भीष्म पितामह है और जैसे वेदव्यास जी महाराज, और जैसे समझो कि अभी वर्तमान के जमाने में तुलसीदास जी ऐसे, और समझो कि और वर्तमान के जमाने के वहां सूरदास जी आदि जो भगवान के भक्त है, और अच्छे जो ज्ञानी जिसको गौरांग महाप्रभु या और भी अच्छे अच्छे जो पुरुष इस कलयुग में हुए हैं, और जिनको सभी लोग महापुरुष मानते हैं, उनके भी व्यवहार से हम लोग विचार करेंगे और उसका निर्णय करेंगे, और तर्क से यानी तरक्की कसौटी पर कसेंगे, तो दोष देखने वाले को दोस्तों उनमें भी मिल जाएगा। हमारी समझ के बीच के वहां तो समझो कि आप संसार के वहां जितने पुरुष हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के समान सदाचारी और एक आदर्श पुरुष है शायद ही कोई हो, किंतु हम भगवान श्री राम के आचरणों के बीच के वहां भी और उसे आलोचना से दोष बुद्धि से देखेंगे, तो दोष देखने वाले को तो उनके मां भी दोष दिख जाएगा। तो इसी न्याय से तो संसार के मां आज तक जितने हुए कोई भी एक प्रकार से निर्दोषी काम नहीं रहेगा, तो वो तो एक प्रकार से देखने वाले के नेत्रों की समझ की और मानता की गलती, उसका क्या उपाय हो सके। किंतु ये ख्याल करना चाहिए कि हम लोगों को तो यथाशक्ति जहां तक हो सके सब में गुण बुद्धि करनी चाहिए, दोष बुद्धि नहीं। किंतु ये हम आपके लिए नहीं कहते हैं, सबके लिए और हमारे लिए भी हम कहते हैं, क्योंकि हम देखते हैं किसी के बीच के मां जो एक प्रकार से हमको भी दोष तो दिख ही आता है। भाई लोग पूछते हैं तो हम कहते भी हैं कि भाई ये दोष तुम्हारे में दिखता है,
यदि नहीं दिखे तुम कैसे करें, तो इससे मालूम होता है कि ये स्वाभाविक की बुद्धि हुआ करती है। ये जिसके मन न हुए कोई विशेष बात नहीं, ऐसा ही हम लोगों को अभ्यास करना चाहिए जिससे किसी के मां हमारी दोष बुद्धि न हो। दूसरों के मां जो दोष बुद्धि है ये हमारे लिए बहुत ही खतरे की चीज है, और ये स्वाभाविक होती है, ईश्वर की कृपा से ये दूर होती है। ये समझो कि आपने ज्ञान से दूर होती है। तो हरेक भाइयों को इस विषय के बीच के मां अपने व्यक्तिगत अपना विचार करना चाहिए और कोशिश करने चाहिए जिससे ये दोष बुद्धि हमारे से एकदम दूर। फिर महापुरुषों के विषय की बात आपको मैं बताता हूं कि जब उसके बीच के वहां हम प्रवेश होकर के देखते हैं और अपने समझ के अनुसार उसे तर्क की कसौटी के ऊपर जब उसको कसते हैं तो उसका फिर हम निर्णय नहीं कर सकते, क्योंकि एक प्रकार से न्यायुक्त हम विचार करके देखते हैं तो हमारी बुद्धि में काम नहीं। तो इसका मतलब यही है कि हम पहचान नहीं सकते, वो पहचानने की हमारे में सामर्थ्य नहीं है। तो इसलिए समझो कि दोष और गुण सभी के वहां भरे रहते हैं, परमात्मा को छोड़ करके और महापुरुषों को छोड़ करके। परमात्मा एकदम शुद्ध और निर्दोष है और महापुरुष भी शुद्ध और निर्दोष है। ये तेर जितेर सर्गो ऐसा सामे सिद्धम होना निर्दोष ही समन ब्रह्म तस्मात ब्रह्मणि ते पिता। उन पुरुषों ने यही संसार को जीत लिया है जिनका मन समता में स्थित है। ब्रह्म जो है निर्दोष है, शुद्ध है और सम है। इसलिए जिन पुरुषों की समता में स्थिति है वह पुरुष निर्दोष और उनकी ब्रह्म के वहां स्थिति है। जिनकी समता में स्थिति है, तो समता में स्थिति है तो यहाँ ब्रह्म के साथ में दो बात दिखलाई, एक ब्रह्म जो है तो निर्दोष है और सम है। इसी प्रकार से थी जिनके वहां समता है और निर्दोषता है उनकी ब्रह्म के स्वरूप में स्थिति है। इस प्रकार से लक्षण जो भगवान ने गीता की छठी अध्याय के 19 के श्लोक में बतलाये। तो ये सुसंदेह है हरेक मनुष्य को ये अपने आप में घटाने चाहिए और इसके अनुसार बनना चाहिए। तो अपने में समभाव जो है इसको अधिक से अधिक लाने की चेष्टा करनी चाहिए, अपने में निर्दोषता जो है अधिक से अधिक लाने की चेष्टा करनी चाहिए और ये ख्याल करना चाहिए इस समता और निर्दोष के लाने के लिए जो सम और निर्दोष ऐसे जो भगवान है परमात्मा है उनके ध्यान से ये बात बहुत शीघ्र आ जाती है। या जो महापुरुष है जो निर्दोष शुद्ध है जिनमें कोई विकार नहीं है और जिनके मन समता है, ऐसे पुरुषों के संशय और माने ये निर्दोषपना और समता का भाव आता है। तो ऐसे पुरुषों का संग करना चाहिए और विशेष करके उन्हें को आदर्श मान करके उनका अनुकरण करना चाहिए, क्योंकि वह अनुकरण करने के योग हैं। संसार के वहां ऐसे श्रेष्ठ पुरुष ही अनुकरणीय हैं और श्रेष्ठ पुरुष ही समझो कि पूजने के योग आदर करने के योग है। वे नहीं चाहते किंतु हमारे लोगों के लिए वे ये आदर करने के योग है। भगवान के विषय में कहा विष्णु सहस्रनाम में अमानी मान जय मान्यम लोक स्वामी त्रिलोक बुद्धिक। भगवान अमानी है, स्वयं भगवान मान नहीं चाहते। हम लोग सब कोई भगवान को मान देते हैं किंतु भगवान खुद मान नहीं चाहते।
जिस प्रकार से भगवान मान नहीं चाहते, ऐसे महापुरुष भी मान नहीं चाहते और दूसरों को मान देते हैं। तो महापुरुष भी दूसरों को मान देते हैं और भगवान भी दूसरों को मान देते हैं, और माने परमात्मा को सब लोग मानते हैं, ऐसे महापुरुषों को भी लोग मानते हैं कि ये महापुरुष है, किंतु वे अपने को महापुरुष नहीं मानते। ये पक्की पहचान है, जो अपने को महापुरुष मानता है वह महापुरुष कभी नहीं होता, जो अपने को श्रेष्ठ मानता है और सबके द्वारा अपने को पूजने के योग मानता है वह पूजने के योग नहीं, जो अपने को सबसे बड़ा मानता है श्रेष्ठ मानता है वह श्रेष्ठ नहीं। लोग तो उनको श्रेष्ठ मान सकते हैं किंतु वह खुद ऐसे नहीं मानते। तो ये बात तो खुद वो ही जान सकता है कि भी वो अपने आप को कैसे समझता है, कैसे मानता है। और जो अधिकारी जो पुरुष होते हैं, उन अधिकारियों के मां समझो कि उनकी महिमा जहां शास्त्रों में आती है, ऐसी महिमा भी आती है कि उनके नेत्रों की दृष्टि जितनी दूर तक पड़ती है उसका प्रभाव पड़ता है, और नेत्रों की दृष्टि के द्वारा परमाणु जहां एक प्रकार से जितनी दूर के बीच के मां उनके नेत्रों के द्वारा जो परमाणु पड़ते हैं उनके ऊपर असर होता है नेत्रों की वृत्ति का, और उनको भी कोई देखते हैं तो देखने वाले पर भी असर होता है। श्रद्धा होने से तो अधिक असर होता है, नहीं तो समान असर होता है। इसी प्रकार से कि वे महापुरुष किसी को याद करते हैं तो एक प्रकार से कि उनके मन का असर दूसरों पुरुषों पर होता है, और उस महापुरुष को भी कोई दूसरे लोग याद करते हैं तो याद करने वाले पुरुषों को लाभ होता है। इसी प्रकार से थी समझो कि वे किसी को स्पर्श करते हैं तभी एक प्रकार से उनको लाभ होता है, और उनको भी कोई स्पर्श करते हैं तो भी लाभ होता है। तो इस प्रकार से थी, और वार्तालाप करने से भी, तो आस्त्री के बीच के मां वार्तालाप करने से और स्पर्श करने से और परस्पर दर्शन करने से और स्मरण करने से एक प्रकार से सभी प्रकार से लाभ होता है। इसीलिए कहा गया है कि महापुरुषों के दर्शन से, भाषण से, स्पर्श से, वार्तालाप से समझो कि लाभ होता है, किंतु ऐसे जो पुरुष संसार के मां समझो कि देखने के मां नहीं आते जिनकी ऐसी महिमा गाई गई है। और ये बात ही है कि संसार के बीच के मां साधक जो पुरुष है, श्रेष्ठ जो पुरुष है, सात्विक पुरुष है, जिनमें देवी संपदा के लक्षण घटते हैं उनका भी असर होता है, उनके अनुसार उनका भी असर होता है, और जिनके मां आखिरी संपदा है उनके सन से आश्रित संपदा वाले पुरुषों के संग से आश्रित संपदा का भी असर होता है। तो ये एक प्रकार से समान भाव से प्रभाव तो सभी का पड़ता है, और उन्हें महापुरुषों का एक विशेष पड़ता है। ये बात युक्ति संगत है, देखने में भी आती है और शास्त्र संगत भी है। शास्त्रों में तो समझो कि ऐसी बात हमारे को मिलती है, अमुक महात्मा ने या अमुक तपस्वी ने अमुक आदमी को ये आशीर्वाद दे दिया और वो सिद्ध हो गए, वो बात सच हो गई। अमुक ने एक प्रकार से थी वरदान दे दिया तो वो बात सत्य हो गई। अमुक आदमी ने अपने हृदय से थी एक प्रकार से थी अपने समर्थन कर दिया, या हृदय से थी एक मन के मां संकल्प कर लिया तो वो कार्य सिद्ध हो गया। और ये बात शास्त्र संगत युक्ति संगत है, आप लोगों को भी इस विषय में थोड़ा विचार करना चाहिए। यदि आप या मैं कोई भी भाई अपने हृदय में होने वाले जो संकल्प है उसके अनुसार हम समझो चलेंगे, हमारा एक भी संकल्प व्यर्थ नहीं होगा तो आगे जाकर के हम सत्य संकल्प वाले बन जाएंगे तो हमारा संकल्प सिद्ध हो जाएगा। ये तो एक समझो की सिद्धि है, और ये सिद्धि परमात्मा की प्राप्ति के बिना भी हो सकती है। फिर परमात्मा की प्राप्ति होने के बाद उनका संकल्प सत्य हो जाए तो कुछ बड़ी बात है। इसी प्रकार से जो आदमी कभी मिथ्या नहीं बोलता है, सत्य बोलता है, तो उसकी वाणी के द्वारा जो कुछ कहा जाता है वो सत्य होता है, और जो आदमी झूठ बोलता है तो उससे वाणी का जो तेज वो नष्ट हो जाता है, फिर वो कैसे वो बात सत्य हो। तो जैसे सत्य बोलने से थी वाणी एक प्रकार से सत्य हो जाती है, ऐसे ही संकल्प सत्य हो जाता है, संकल्प भी
उनके शुद्ध होते हैं, माने फालतू नहीं होते, पवित्र संकल्प होते हैं, और पवित्र जो संकल्प होते हैं वे एक प्रकार से सत्य हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। तो शुद्ध संकल्प और सत संकल्प जो है ये बहुत दामी चीज है। और जिस प्रकार से भी मनुष्य मौन हो जाता है, चुप हो जाता है, कुछ भी नहीं बोलता, तो वो मौन भी एक प्रकार का तप है। और उस तप के बल से भी संसार के वहां वो अपने विषय से लोगों को फायदा पहुंचा सकता है अपने तप के बल से। और पूर्व में तपस्या ने अपने तप के प्रभाव से लोगों का उपकार भी किया। तो जिस प्रकार से वाणी का तप है, इसी प्रकार से मन का भी तप है। जो आदमी समझो कि अपने संकल्प रहित हो जाता है, मन एक जैसे मौन होना, वाणी करके मौन होना, ऐसे ही मन कर करके संकल्प से रहित होना, तो ये भी एक बड़ी महत्व की चीज है, संकल्प रहित होना। इसी प्रकार से थी समझो कि हमारी जितनी जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों को हम अक्रिय कर दे हुए या विषयों से रहित कर दे हुए, तो उन्हें बल आता है, तप आता है, और हमारी इंद्रियां प्रभावशाली बन जाती है, उनके मन सिद्धियां आ जाती है, और परमार्थ विषय की भी सिद्धियां आ जाती है। किंतु इस प्रकार से आजकल कौन कोशिश करता है, कहा जाता है कि भी इंद्रियों को बस में करना चाहिए, मन को बस में करना चाहिए, इंद्रियों को समझो कि विषयों से रहित करना चाहिए, मन को विषयों से रहित करना चाहिए। इसके करने से भी हो सकता है, मन जो है और इंद्रियां इनको बस में करना, मन और इंद्रियों के विषयों से इनको रहित करना यानी समझ विच्छेद करना, और मन और जो इंद्रियां जो है इनको अपने कंट्रोल में करना, और मन और इंद्रियों के द्वारा संसार के वहां बैराग करना, उपरम होना, तो ये सभी एक प्रकार के थी तप के ही भेद हैं। ये सब मन और इंद्रियों के तप हैं, इनके करने से उनकी शक्ति बढ़ती है, उनमें योग्यता आती है, शुद्ध होते हैं, और वे उनका फिर इंद्रियों का मन का प्रयोग करें तो प्रयोग की सिद्धि भी होती है। तो इन सब बातों को ख्याल में लाकर के ये एक तपस्या का विषय है, ये एक कोटि का विषय है। समझो कि महात्मा जो होते हैं, उच्च कोटि के जो पुरुष होते हैं, उनमें तो ये बात स्वाभाविक ही होती है कि संसार के वहां बहिराग होना, और मन और इंद्रियों का वश में होना, और समझो कि वह इच्छा करे तो संसार से मन और इंद्रियों को रोक करके रखना, तो कर भी सकते हैं, सामर्थ्यवान है, उनके लिए कोई भी असंभव बात नहीं है। तो इसके लिए हम लोगों को संसार से वृत्त होना चाहिए। संसार के वहां बहिराग होता है, संसार को दुख रूप समझने से, संसार को भयदायक समझने से, संसार को घृणित समझने से, संसार को नाचवान समझने से, तो इनके मन स्वतः वैराग उत्पन्न होता है। और जब वैराग हो जाता है तो ये सब मन बस में भी हो जाता है, संसार से मन और इंद्रियां तो उपरम भी हो सकते हैं, किंतु वैराग से सब चीज होती है। तो इस बात को ध्यान में रखते थे संसार से थी हमको व्यर्थ होकर के विचरण करना चाहिए, परम वैराग करना चाहिए, तीव्र वैराग करना चाहिए, दृढ़ वैराग करना चाहिए। तो वैराग जो है ये भक्ति के वहां भी सहायक है, ज्ञान के मार्ग में भी सहायक है, योग के मार्ग में भी सहायक है, जितनी प्रकार के भगवत प्राप्ति के जो मार्ग हैं सबके बीच के वहां वैराग सहायक है। वैराग एक प्रकार से थी साधनों के बीच के वहां मदद करने वाला है। इस बात से हरेक माता बहन और भाइयों को वैराग का आश्रय लेना चाहिए। ध्यान योग परो नित्यं वैराग समुपासे। देखो भगवान ने गीता की 18वें अध्याय के 52 के श्लोक के उत्तरार्ध के मां ध्यान करने वाले व्यक्ति को ये बात कही है कि वैराग का आश्रय लेकर के और ध्यान योग के मां नित्य स्थित होना, ये साधनों के बीच के मां एक साधन बस रहा है। वैराग को आश्रय लेकर के और ध्यान योग के बीच के मां नित्य स्थित रहना, तो ये ध्यान योग के बीच में बहुत ही मददगार है। इसी प्रकार से थी ये सत्संग की जो बातें हैं, ये भी ध्यान योग के मां बहुत ही सहायक है। इसी प्रकार से थी समझो आपने जो भगवान के नाम का जप है, ये भी बहुत ही सहायक है। शास्त्रों का जो स्वाध्याय है, ये भी एक ध्यान योग के मां मददकारक है। और एकांत देश का सेवन भी बहुत ही मददकारक है। यूं तो समझो कि हम कोशिश करें तो व्यवहार कार्य की हमारी सारी क्रिया साधन का रूप धारण कर सकती है, हमारा शयन कार साधन का रूप धारण कर सकता है,
सोने के समय के बीच में मन इंद्रियों को संसार से हटा करके संसार के विषय से रहित करके और हम परमात्मा विषय मन परमात्मा के सन्मुख होकर के सोए तो वो शयन काल भी हमारा साधन काल बन सकता है। इसी प्रकार से हमारे शरीर से होने वाली जो सारी चेष्टाएं हैं, सारी जो क्रियाएं हैं, उसके बीच के माँ समझो कि स्वार्थ का त्याग हो जावे और वो हमारी सारी क्रिया भगवान के लिए हुए, परमात्मा के लिए हुए, निष्काम भाव से होने लगे तो सब एक प्रकार से मुक्ति के देने वाली बन जावे। तो ये बात समझ में आनी चाहिए, ये सिद्धांत समझ में आना चाहिए। यदि ये सिद्धांत समझ में आ जाए तो बहुत जल्दी कल्याण हो सकता है, इसका रहस्य समझ में आ जाए। एक प्रकार से हम लोग मानते हैं कि इसका यह रहस्य है, किंतु जब उसके अनुसार हमारा बर्ताव नहीं है, हम उसको काम में नहीं ला रहे हैं, तो वास्तव में समझ ही नहीं है। वो समझ अलग ही है, निराली है, जो श्रद्धा पूर्वक विश्वास पूर्वक जो समझ होती है वो काम में लाई जाती है, और जो काम में नहीं लाई जाती वो समझ कोई काम की नहीं, वो समझ कोई काम की नहीं है। ये तो कारण ही है कि एक प्रकार से हमारे में जितनी समझ है उसको एक प्रकार से काम में नहीं लाती, इसी कारण से हमारा पतन होता जा रहा है। हर एक माता बहनों को भाइयों को एक प्रकार से जो बात जिसको आप ठीक समझते हो उसको एक तत्परता के साथ में आप काम में जाओ तो आपका बहुत शीघ्र उद्धार हो सकता है। जैसे आपने अपने हृदय से यह बात समझी कि ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत उत्तम है, आपने हृदय से यह बात समझी कि सत्य बोलना बहुत उत्तम है, आपने ये बात हृदय से समझी कि समभाव बहुत उत्तम है, और फिर भी आप सबके साथ में सम व्यवहार नहीं करते हो, सत्य व्यवहार नहीं करते हो, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हो, दूसरे के धन के ऊपर गिलानी नहीं रखते हो, तो आप सोचो ख्याल करके कि उसका जो फल होना चाहिए वो कैसे हो। आप फल तो चाहते हो वह कि एक प्रकार से उत्तम दर्जे का और उत्तम बात हृदय से समझ करके उसको काम में जाते नहीं हो। इसलिए हमारी ये प्रार्थना है कि अपनी समझ के अनुसार जिसको आप उत्तम समझो उसको आज से काम में लाना शुरू कर दो, और ये निश्चय कर लो कि जिस बात को हम युक्ति से शास्त्र से अपनी आत्मा से अच्छी बात समझ लेंगे, उत्तम समझ लेंगे, उसका कभी त्याग नहीं करेंगे, उसको काम में ला करके छोड़ेंगे, तो आपका बहुत शीघ्र उत्थान हो सकता है, उद्धार हो सकता है। ये खास करके के आपके वहां दोष है कि जिसको आप जिस बात को बुरी समझते हो, खराब समझते हो, और खराब समझ करके फिर करते हो, और जिस बात को आप अच्छी समझते हो और अच्छी समझ करके भी काम में नहीं लाते, ये आपके वहाँ बड़ा भारी दोष है। इसी कारण से थी आपके लिए इतना विलम्ब हुआ, नहीं तो परमात्मा की प्राप्ति आपको आज तरह कदे की हो जाती। आसुरी संपदा बुरी चीज है, इसको आप कहते भी हो, समझते भी हो और मानते भी, और फिर भी एक प्रकार से उसका त्याग नहीं करते। और देवी संपदा अमृत के समान है, मुक्ति के देने वाली है, ऐसा आप सुनते हो, पढ़ते हो, समझते हो और मानते हो, और फिर भी एक प्रकार से उसका आदर नहीं करते, माने उसको आप काम में नहीं लाते, और देवी संपदा का फल जो मुक्ति है एक प्रकार से उसको आप चाहते हो, तो मुक्ति आपको कैसे मिल सकती। इन सब बातों को आपने काम में लाने की कोशिश करनी चाहिए। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्री रामचंद्र की जय, मूतवंशी वाले की। महापुरुषों की महिमा और महापुरुष बनने का उपाय विषय के व्याख्यान श्री जयदयाल जी का द्वारा आज मिति आषाढ़ कृष्णा चतुर्थी को रात को 9 बजे गीता भवन में दिया गया।